वाहेगुरु ही नाम है गाने का, और हम क्या कह सकते हैं, वाहेगुरु कितने बड़े हैं। उनके सामने एक जस्ट छोटा सा एक जैसे यू नो, आई वांटेड टू जस्ट डेडिकेट वन स्मॉल शब्द वाहेगुरु के नाम, क्योंकि आई बिलीव अ लॉट इन हिम। आई थिंक ही इज़ ब्लेस्ड मी, इज़ मेड मी, ही इज़ गिवन मी एवरी थिंग, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक यू इन द फॉर्म ऑफ दिस सॉन्ग, बिकॉज he's so simple and he's just beautiful. So I just with the song, you can see whoever has heard it has always you know, wanted to listen to it again and again. So I feel very blessed about it. Okay bhai, aap kya kehna chahenge, kuch bataiye gaane ke bare mein? Mere to ji ek gaane jo is geet ke zariye jazbaat maine pesh kiye hain, kyunki har bande ka jo rooh hoti hai wo connect hoti hai us Waheguru ke sath, us akal purakh ke sath. तो मुझे लगता है कि ये गाना एक फील है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उसको निभा सकूं, और जब लोग सुनते हैं, जब उनको फ़ील होता है, तो मेरे को भी वो फील, उनका फील जो करना, वो मेरे को भी फील होता है, क्योंकि मैंने वो गाया हुआ है और लोग उसको अपने अंदर फील करते हैं, तो बहुत एक अलग सी फीलिंग आती है, एक स्पिरिचुअल लेवल की फील आती है, अपना माइंड जो अपना पीस ऑफ माइंड है वो ज़्यादा बनता है, क्योंकि हम सुबह जब उठते हैं तो वाहेगुरु के नाम से उठते हैं, तो सोते हैं उनके नाम से हैं, तो ये गाना तो बस एक फील है कि आप उसको कैसे रिवील कर सकते हो, वाहेगुरु को आप कैसे देखते हो। कुछ भी नहीं, सवाल आपसे है, दूसरा आपका लाइव शो या आपका वीडियो है, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, टफ था, क्योंकि मुझे सब एक गाना एक ही दिन में शूट करना था, और वो भी टाइम लिमिट था, तो मैंने 10 सवेरे 6 o'clock we started and we winded up by 6:30. उसमें से 1 hour 40 minutes we lost while shifting from one place to other. We got lost on the way, so it was like hectic on that day. But just because we had gone to Chandigarh and I didn't have another day, so I had to finish. Especially I had to tell my stories, so I was so tense. But yes, as I mentioned earlier also, that Waheguru was with me and I just felt like he only did everything. मैं तो जैसे हम ऐसे मिलते हैं, मैम को तो अलग रूप देखते हैं, तो डायरेक्शन में जब मैम पूरे डायरेक्ट कर रही थी सब कुछ, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो थोड़ा ऐसे डर भी लगता था कि अब मैम कुछ कह ना देंगे, क्योंकि जब हम, मैं पहले एक गाना किया वो अर्बन है बिल्कुल, मतलब जो देसी स्टाइल जो कह सकते हैं हम, इंग्लिश स्टाइल थोड़ा सा ना, तो उसके अलावा अभी ये मेरा फर्स्ट जो है डिवोशनल सॉन्ग था, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज आपकी उस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि आपका गाना जो है वो उसको डेडिकेट है ना, तो उस हिसाब से तो मेरे को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि मैम ने ऐसे ऐसे करना है कि हाँ ऐसे करना, ये आपका हाथ नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें, क्योंकि आपकी जो एक एक मूवमेंट है, आपने कैसे कैमरा फेस करना है उसको लेके ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैम का अलग रूप देखने को नज़र आ रहा है, और बहुत कुछ सीखा मैडम से। किस तरीके से ढूंढा आपने, किस तरीके से इस मतलब इस कॉन्सेप्ट का मतलब आपको आइडिया आया? जैसे मैं कोई भी सॉन्ग, लास्ट टाइम ऑल्सो ओरी नसीबा जो मैंने डायरेक्ट किया था, मुझे मालूम था कि यू नो लिरिक्स वाइज, तो मेरे लिरिक्स राइट संजीव चतुर्वेदी, उनके साथ मैं लिरिक्स बैठ के इंग्लिश हिंदी में बोलती हूँ, और वो प्रॉपरली यू नो प्रॉपर वर्ड्स में बना लेता है। एंड मुझे वाहेगुरु का एक यही एक सपना था कि एक वाहेगुरु का एक सॉन्ग मुझे बनाना है, और वो ही बोलना है कि अगर आप अगर वाहेगुरु बोलो, एक ओंकार या कोई भी दूसरे भगवान का नाम लो, सब एक ही है, नारायण या कुछ भी, और यही भी चाहती थी बोलने के लिए, आप सिर्फ दिल से पुकारो, वो आपके पास दर्शन दे देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप ही आ गया, मैं सिर्फ थोड़ा सा दिखाना चाहती थी कि वाहेगुरु कितने सिंपल है, कितने ब्यूटीफुल है, वो कुछ नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं आप जो भी करो दिल से करो, तो वो प्रार्थना सुन लेते हैं। स्लोली स्लोली स्टेप स्टेप बाय स्टेप, अभी तो ये जर्नी स्टार्ट किया है, तो और भी
थोड़े सॉन्ग्स करूंगी फिर कुछ बाद में कोई फिल्म किस तरीके की फिल्म मैं करूंगी और सर किस तरीके की फिल्म मैं डायरेक्ट करना चाहती हूं दिल तो बहुत चाहता है लेकिन सब आई थिंक अगर धीरे धीरे चलूं तो वो ही बेटर रहेगा ओके लास्ट क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज़ वॉच अ सॉन्ग वाहेगुरु आई एम श्योर यू लव इट इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड इट टच योर हार्ट सो थैंक यू इफ यू लव इट प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इट बी वेरी आई बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू थैंक यू मैं बस यही कहूँगा कि आप प्लीज़ जाके यूट्यूब पे पहले गाना देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा वोकल भी और आपको जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो सारा ओवरऑल हमने बहुत प्रैक्टिस करके बहुत मेहनत करके हमने ये काम किया है और ऑब्वियसली आपको टच करेगा गाना और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा थैंक यू थैंक यू